थाना बड़वानी पुलिस ने नगर पालिका में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया। नगर पालिका में बाबू और अन्य पदों पर नियुक्ति का लालच देकर करता था ठगी। नगर पालिका बड़वानी में बाबू के पद पर नौकरी लगाने की बात पर जावेद पठान ने 50,000 रुपए फरियादी असलम खान से लिए। फिर जावेद पठान ने कहा कि एक सप्ताह में मेरे साथ भोपाल चलना, वहां से ज्वाइनिंग लेटर दिलवा दूंगा। फिर जावेद ने बात की, ना पैसा वापस दिया ना नौकरी लगवाई और फरियादी के परिचित सईद पिता मेहरबान मंसूरी, सुल्तान पिता फकरुद्दीन, सोहेल पिता हाफिज और इमरान पिता फरीद निवासी नानपुर से नगर पालिका बड़वानी में नौकरी लगाने का झांसा देकर क्रमशः 40,000 रुपये, सोहेल से 20,000 रुपये, इरफान से 40,000 रुपये का वर्ष 2016 में ठगी कर लिया है। जावेद ने नौकरी का झूठा आश्वासन देकर धोखाधड़ी कर रुपए लिए हैं। जावेद पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देता है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। असलम खान निवासी दिलवानी है। इन्होंने थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैंने जो पूजा स्टेट के जावेद पठान है, उन्होंने जावेद पठान ने इनको आश्वासन दिया था कि मैं नगर पालिका में बाबू के पद पर जो है आपके भांजे की नौकरी लगवा सकता हूँ। तो उसके उनके बात को मानते हुए असलम खान से इन्होंने, जावेद पठान ने करीब 50,000 रुपये लिए थे और फिर इसी प्रकार से जावेद पठान जो है और भी ऐसे 4-5 अन्य लोग थे जिनसे उन्होंने नौकरी लगाने के नाम से पैसे वसूल किए थे। सभी से किसी से 50,000-60,000 इस प्रकार से 2,00,000 रुपए के करीब उन सबसे पैसे वसूल किए और लगातार उनको झांसा देता रहा कि भोपाल से मैं अभी इसका ज्वाइनिंग लेटर ला के आपकी नियुक्ति पत्र देता हूँ, कुछ समय लगेगा। इस प्रकार से उनको धोखा देता रहा। कितने टाइम से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा? यह करीब 2016 से लगातार ऐसे ही काम कर रहा है, करीब 3 साल हो गए। और जब काफ़ी ज़्यादा इसकी शिकायत हुई तो तब लोगों ने फरियादी ने थाना आके एकदम सभी फरियादी आए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और